नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने घर में अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है कि हमारे घर में बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं और हम ये नहीं पहचान पाते कि कहीं हमारे घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। वैसे तो एक अच्छे वास्तु विशेषज्ञ आपको ठीक से बता सकते हैं कि आपके घर में एग्जैक्टली क्या वास्तु प्रॉब्लम है और उसकी रेमेडी, उसका निवारण कैसे होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो सभी लोग आम तौर पे वास्तु के बारे में इतना नहीं जानते हैं, उनको आज मैं बताना चाहूँगी कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे इंडिकेशंस, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि आपके घर में वास्तु दोष है। सबसे पहली चीज, हमारे घर, हमारे जो स्पेस है उसकी एक एनर्जी होती है, हर एक क्लोज स्पेस की एक ऊर्जा होती है। आपको अपने घर में आके कैसा लगता है वो सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि आपके घर की एनर्जी और वास्तु कैसा है। क्या आप अपने घर में आने के बाद रिलैक्स्ड फील करते हैं, अपलिफ्टेड फील करते हैं, टेंशन फ्री फील करते हैं, या फिर घर में घुसने के बाद आपको अजीब सी नेगेटिविटी, टेंशन, इस तरह की भावना आने लगती है। अगर आपको अपने घर में आने के बाद नेगेटिविटी की और स्ट्रेस की फीलिंग आती है, तो इसका मतलब है घर में कोई वास्तु दोष है, घर की एनर्जी में कोई भारीपन है और ये देखना होगा कि ये किस दिशा की वजह से उत्पन्न हो रहा है। तो ये तो हुई पहली चीज, पर्सनल एनर्जी से जज करना कि घर की एनर्जी ठीक है या नहीं। नंबर टू, अगर आपके घर में हमेशा आर्थिक समस्या लगी रहती है, लगता है कि आता हुआ पैसा भी रुक जाता है और हर टाइम पेमेंट्स ब्लॉक्ड रहती हैं, हम अभाव में जी रहे हैं, हर समय स्कैर्सिटी लगती है, कभी पूरा नहीं पड़ पाता, हाथ हमेशा खाली से लगते हैं, इन फाइनेंशियल रीजंस का अगर आपके घर में कोई संकेत है तो इसका भी कारण वास्तु दोष हो सकता है और ये समस्या आपके नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन या फिर ओवरऑल प्रोस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से रिलेटेड हो सकती है। नंबर थ्री, घर में पैसा तो आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा, कभी मेडिकल एक्सपेंसेस में निकल रहा है, कभी कोई और सामान खराब हो रहा है, कभी कोई और खर्चा आ गया जिसके लिए कि हम तैयार नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा पानी की तरह अगर पैसा बह रहा है, ये भी वास्तु दोष का संकेत है। अगर हमारे साउथ या वेस्ट की डायरेक्शन में कोई वास्तुलॉजिकल इम्बैलेंस है तो ये पैसा रुकेगा नहीं जब तक कि आप उसे करेक्ट नहीं करेंगे। नंबर फोर्थ, हमारा हेल्थ इस बात की सूचक है कि हमारे घर का वास्तु कैसा है। अगर आपके घर के मुखिया बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं तो साउथ साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर घर की लेडी अक्सर बीमार रहती है तो साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सर्जरीज हो रही हैं या एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो भी कोई समस्या हो सकती है। तो घर में अगर मेंबर्स को हेल्थ प्रॉब्लम रहती है तो पक्का हमारे घर में कोई ना कोई वास्तु दोष है ही है। अनदर थिंग, अगर घर के लोग फिजिकली ठीक रहते हैं लेकिन मेंटली हमेशा परेशान रहते हैं, किसी ना किसी डिप्रेशन में रहते हैं, किसी ना किसी अवसाद में रहते हैं, लो फील करते हैं, उत्साह नहीं होता, तो भी आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है इस छोटी सी प्रॉब्लम को दूर करने से आपके घर की एनर्जी बिल्कुल ठीक हो जाए। ये भी संकेत है इस बात का कि आपके घर में वास्तु दोष है। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम अपने घर में एक परिवार के साथ रहते हैं, कभी हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ होते हैं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी हमारे साथ होती है, और अगर हमारे रिश्तों में सौहार्द नहीं है, अगर हमारे रिलेशनशिप में हारमनी नहीं है, तो डेफिनेटली हमारे घर में वास्तु दोष है। अगर किसी घर का वास्तु सही होता है तो वहाँ के रिलेशनशिप्स में हारमनी रहती है। तो ये कुछ खास मुख्य बातें ऐसी हैं, इनमें से अगर कोई भी चीज़ आप फील कर रहे हैं तो आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपको कभी अपने घर में रात को सोने में डर लगता है या घबराहट होती है या नींद नहीं आती, तो भी ये एक वास्तु के दोष का सूचक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ नाइस डे।